भी मैं ही से फाइनली मैं वापस आ गया हूँ स्नॉर्कलिंग करके और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बज रहे हैं शाम के 5:15 और अभी से ही अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा डार्क हो गया है। ऐसा लग रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पर जल्दी सनसेट हो जाता है और सनराइज भी जल्दी होता है। अभी हम आ गए हैं सेल्यूलर जेल वापस, यहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। इसके बारे में बहुत सुना है कि बहुत अच्छा है, 6:30 से है और अभी बज रहे हैं फिलहाल 6:45। तो इन अबाउट 15 मिनट्स हमारा लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है। चले जाओ, चले जाओ अंदर। एक सेकेंड, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। सो बेसिकली अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है तो दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन मॉर्निंग में जो जैसा मैंने आपको अंदर दिखाया था सेल्यूलर जेल के रहेगा भाई, बस लाइट्स और म्यूजिक के साथ। थोड़ी बहुत अगर रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास तो वो मैं सुनाऊंगा आपको। फैंटास्टिक शो यहाँ पर हुआ था ठीक सामने जहाँ मैंने आपको दिखाया था। बहुत ही अमेजिंग था, इमोशनल था, मज़ा आ गया। टुक अबाउट 1 आवर। बेसिकली इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी वो फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे यहाँ पर रह के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था उसके बारे में बात की। इट वॉज़ रियली अमेजिंग। एवरीवन, टुडे इज़ डे 2 एट पोर्ट ब्लेयर और अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड। बहुत सारे प्लान्स हैं लेकिन अभी सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम नॉर्थ बे आइलैंड से। आज हम रॉस आइलैंड भी जाएंगे, फेरी करेंगे, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी करने वाले हैं आज हम और वहाँ पर घूमेंगे। स्टे ट्यून्ड। कुछ वाटर एक्टिविटीज़ के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है। ये एक वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं और यहां से अब हम लोग जाएंगे नॉर्थ बे आइलैंड। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यहां पर और इट्स अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस अभी सुबह के 9 बजे। तो यहां तो पूरा समर वेकेशन वाला फील है। स्पीड वीड का भी दिया इसमें, मिरर्स भी लगे हैं छोटे छोटे। पीछे क्या दिखता होगा भाई, ऐसा कोई आता नहीं था। स्पीड स्पोर्ट ईगो, वाओ, ले जाते हैं इसको, करते हैं कुछ। जेट स्कीइंग की एक बात मुझे जो अच्छी नहीं लगती वो है कि पीछे आदमी बैठा देते हैं यार, तो बहुत ही मतलब लड़की वाली फीलिंग आने लगती है, अच्छा सा नहीं लगता है, इसलिए मुझे करना पसंद नहीं है। कोई भी स्पोर्ट जिसमें पीछे आदमी लगाते हैं वो करना मुझे पसंद नहीं है। ग्रुप ब्रीफिंग हो रही है, ज़रा बताता हूँ।
देखिए ये बंदा आपको पूरा आइलैंड के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे क्या करना क्या नहीं करना है। बरे हाँ लूट लेना है। हाँ लूट लेना साले। मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपको जो आइलैंड के बारे में बताऊंगा जो आज आप जा रहे हो। ठीक है ठीक है भैया बताइए। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बीच में ब्रेक आ गया। उसका दूसरा नाम है कोरल आइलैंड। ठीक है वहाँ पे लोग कोरल्स एंड मेरीन लाइफ देखने के लिए जाते हैं। कोरल्स एंड फिशेस देखने के लिए वहाँ पे आपको दो तरह का एक्टिविटी के थ्रू आप देख सकते हो, ऐसी नहीं देख सकते हो। पहला तो होता है सरफेस वाटर एक्टिविटी, दूसरा होता है अंडर वाटर एक्टिविटी। सारे लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और हमने भी बहुत सोचने के बाद अब फिलहाल स्नॉर्कलिंग करने का फैसला किया है। पैरासेलिंग पैरासेलिंग कार्बाइन में देखेंगे। कार्बाइन में करेंगे। तो अभी हम बोट में जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड, वहां पर करने वाले हैं हम फिलहाल स्नॉर्कलिंग, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और जो हमें करने हैं यहाँ नहीं करेंगे, हैवलॉक आइलैंड में करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत सुना है हमने कि वहाँ की राइड्स बहुत अच्छी हैं और वहाँ की साइट सीइंग बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स जो हैं हमने बाद के लिए बचा रखे हैं। अभी फिलहाल चलते हैं राइड लेते हैं, देखते हैं कैसे व्यूज़ हैं कैसी साइट है। चलो मम्मी ने अभी नई नई ताज़ा ताज़ा हैट ली है। कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड आ गया। मूव कर रहा है ये डेक। देखते हैं कितनी देर में चल रही है। बोट में केवल 10 लोग अलाउड है। ठंडी ठंडी हवा, पानी के छींटे पड़ रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। ठीक सामने मुझे ना हिल्स दिख रहे हैं, सामने दिख रहा है हमारे आइलैंड, वहां पर जाना है हमें। वही है सामने नॉर्थ बे आइलैंड। Years later. सारी बोट्स जो हम लोग से बाद में निकली थी काफी, वो हम लोग से पहले पहुंच भी चुकी हैं आइलैंड पे और हम लोग अभी तक पानी में ही हैं। कम से कम 10 मिनट और लगेंगे अभी हमें। आइलैंड के पास डिफरेंस है पानी में, तो जब हम लोग आ रहे थे जब शुरू में तब वहाँ पर पानी का कलर डार्क था काफ़ी। ये नॉर्थ बे आइलैंड पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पानी का कलर चेंज हो चुका है। इस तरफ पानी का कलर ग्रीन है, ब्लू है, लाइटर है। पानी में डिफरेंस यहाँ काफ़ी कम डिस्टेंस में है। सामने जो आइलैंड दिख रहा है ये आपका नॉर्थ बे आइलैंड है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कोरल्स आइलैंड। 20 रुपीज का नोट का बैक साइड में इस आइलैंड को फोटो दिया हुआ है, क्योंकि इस आइलैंड का खासियत होता है अंडर वाटर कोरल्स, वही चीज आप लोग यहाँ पर नेचुरल देखने के लिए आए। फाइनली नॉर्थ बे आइलैंड पहुंच चुके हैं अब हम और स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं। अब
स्नॉर्कलिंग करने के लिए चेंज कर लिया है हमने शॉर्ट्स और ये हाफ स्लीव्स पहन लिए हैं। यहाँ सामने करवा रहे हैं वापस आ गया हूँ स्नॉर्कलिंग करके और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने इससे पहले सी के अंदर की कोई भी वाटर बॉडीज नहीं देखी और कोरल नहीं देखा था अभी तक। कोरल बहुत ब्यूटीफुल था, एकदम क्लीन पानी, एकदम क्लियर, आप यू कुड सी द बॉटम ऑफ द सी। और उनने बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई, मैंने वो जो पर्ल वाला जो शेल होता है, सीपियाँ कहते हैं जिनको, वो भी देखी, मैंने टच भी किया था, फिशेज को भी मैंने टच किया, बहुत सारी भाग जा रही थी यहाँ वहाँ, बहुत सारी फिशेस थी, कलरफुल, रंग बिरंगी, एकदम ग्रीन, ब्लू, येलो, नीमो में जो विलन फिश रहती है वो भी देखी थी मैंने, और बटरफ्लाई फिश, पैरट फिश, ब्रेन कोरल, मैजिक कोरल, बहुत सारे कोरल्स थे। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और फिशेस को मैंने टच किया, पूरे एकदम फेस पर आ गई थी फिशेस और बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पानी के अंदर ही रहता हूँ, मेरे लिए इतना नॉर्मल लग रहा था मुझे, और मैं इतने मतलब बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं पैनिक कर सकता हूँ पहले पानी के अंदर, टू माय सरप्राइज मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, इजीली मैंने सांस ली। सो स्नॉर्कलिंग वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, अनफॉर्चुनेटली वीडियो और फोटोज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। अभी मैंने मम्मी पापा को भी अग्री किया है कि आप लोग भी जाओ, देख कर आओ, मज़ा आएगा। पापा लोग भी करके आ गए हैं। आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे हैं, वेव दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़ी बड़ी उठ रही है।